हाय फ्रेंड्स आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं गुजिया की रेसिपी इन गुजिया को मैंने चार अलग अलग डिजाइन में बनाकर तैयार किया है ये गुजिया खाने में जितनी टेस्टी है देखने में भी बहुत सुंदर है तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही आपको कौन सी डिजाइन सबसे ज्यादा पसंद आई नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख मुझे जरूर बताएं तो फिर चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम गुजिया के लिए आटा लगा कर तैयार करेंगे इसके लिए एक मिक्सिंग बाउल में हम 200 ग्राम मैदा लेंगे साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम शुद्ध देसी घी तो घी को हम इसमें मेल्ट करके ही डालेंगे अब मैदा और घी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो गुजिया को एकदम खस्ता बनाने के लिए जरूरी है कि घी मैदा में अच्छे से मिक्स हो जाए तो मैदा और घी अच्छे से मिक्स हो गए हैं अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगा कर तैयार कर लेंगे हमें इसका ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ना बहुत ज़्यादा टाइट आटा लगा कर तैयार करना है तो आटा हमारा इकट्ठा हो गया है अब हम इसको हथेलियों की सहायता से मसल मसल कर चिकना कर लेंगे ये लीजिए आटा हमारा तैयार है आप फूड कलर का यूज करके ग्रीन रेड येलो पर्पल कलर का आटा लगाकर तैयार कर सकते हैं आप चाहें तो ग्रीन कलर के लिए पालक रेड कलर के लिए चुकंदर और येलो कलर के लिए हल्दी का यूज कर सकते हैं तो आपको जो भी ठीक लगे वो आप इसमें कर सकते हैं अब हम इसको 20 मिनट के लिए ढककर रख, रख देंगे जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए अब हम गुजिया के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे हम एक पहन लेंगे और इसमें ऐड करेंगे एक टेबल स्पून शुद्ध देसी घी और घी को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे तो जब घी हमारा गर्म हो जाए तब हम गैस की फ्लेम को धीमा कर लेंगे फिर हम इसमें ऐड करेंगे नौ से दस बारीक कटी हुई बादाम नौ से दस काजू इनको भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे एक चौथाई कटोरी कद्दूकस किया हुआ नारियल तो अब हम इनको धीमी आंच पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे इनको हम लगातार चलाते हुए अच्छे से रोस्ट करेंगे बस हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि ड्राई फ्रूट्स हमें बिल्कुल बारीक कट करके ही डालना है तो ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट हो गए हैं अब हम इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम मावा मैं यहाँ पर घर का बना हुआ मावा यूज कर रही हूँ और इसको भी हम ड्राई फ्रूट्स में अच्छे से मिला लेंगे मावा को भी हम पाँच से छः मिनट के लिए धीमी आँच पर रोस्ट कर लेंगे इसको भी हम लगातार चलाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे इस तरीके से स्टफ़िंग बनाने से गुजिया का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और गुजिया खाने में बहुत ही टेस्टी भी लगती हैं तो छः से सात मिनट हो गए हैं मावा भी हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया है अब हम गैस को बंद कर देंगे और मावा को हम पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे तो मावा हमारा ठंडा हो गया है अब हम इसको एक मिक्सिंग बाउल में शिफ्ट कर लेंगे ध्यान रखिएगा इसको पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है अब हम इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम चीनी जिसको मैंने मिक्सी की सहायता से दरदरा पीस लिया है और चीनी को हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर कर मिलाएँगे चीनी आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं तो चीनी और मावा अच्छे से मिक्स हो गए हैं अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच पिसी हुई इलायची और इलायची को भी हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे तो गुजिया के लिए स्टफिंग तैयार है अब हम एक कटोरी में दो छोटी चम्मच मैदा लेंगे फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे पानी हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े तो ये लीजिए हमारा मैदे का घोल भी बनकर तैयार है अब हम बनाएंगे पहली डिज़ाइन इसके लिए हम इतनी बड़ी एक लोई लेंगे और इसको बेलन की सहायता से बेल लेंगे इसको हम चारों तरफ से बराबर बेलेंगे तो इसको मैंने इतना बड़ा ओवल शेप में बेल लिया है अब हम इसके बीच में स्टफिंग को रखेंगे स्टफिंग आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं तो स्टफिंग को हमें बीच में ही रखना है अब हम इसके किनारों पर मैदे का घोल लगा लेंगे और इसके ऊपर वाले किनारों को चिपका लेंगे फिर हम इसके नीचे वाले हिस्से को इस तरीके से चिपका लेंगे इनको हम अच्छे से चिपका लेंगे ताकि फ्राई करते हुए स्टफिंग हमारी बाहर ना निकले अब हम इसको पलट लेंगे और इसको थोड़ा हाथों से सेट कर लेंगे अब हम इसको के साइड में रख देंगे अब हम इतना ग्रीन कलर का आटा लेंगे और इसको भी हम बेलन की सहायता से बेल लेंगे इसको हम थोड़ा सा पतला ही रखेंगे और इसको भी हम ओवल शेप में ही बेलेंगे तो मैंने इसको इतना बड़ा बेल लिया है अब हम चाकू की मोटी साइड से इस पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे ध्यान रखिएगा हम इसको बहुत ज्यादा टाइट नहीं दबाएंगे नहीं तो ये कट जाएगी हमें इस पर हल्के हाथों से दबाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है तो पूरी पूरी पर मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है अब हम इसको दो बराबर भाग में डिवाइड कर लेंगे अब हम इसके दोनों किनारों पर मैदे का घोल लगा लेंगे मैदे का घोल हमें अच्छे से लगा लेना है अब हम इसका एक हिस्सा उठाकर इस पर इस तरीके से चिपका देंगे इसको हम अच्छे से चिपका लेंगे और दूसरे हिस्से को हम इस पर क्रॉस ओवर करते हुए अच्छे से चिपका लेंगे तो इस हिस्से पर पहले आप मैदे का घोल लगा लें और फिर इसको अच्छे से चिपका लें अब हम पर्पल कलर का थोड़ा सा आटा लेंगे और इसको इस तरीके से करते हुए लंबा कर लेंगे हमें इसको थोड़ा सा ज्यादा लंबा बनाना है अब हम इस पर मैदे का घोल लगा लेंगे और इसको उठाकर इस पर रख लेंगे और फिर दोनों स्ट्रिप्स को हम इस तरीके से क्रॉस ओवर करते हुए चिपकाएंगे फिर इसके एक किनारे को इस तरीके से मोड़ते हुए रखेंगे सेम प्रोसेस से हम दूसरे किनारे को भी मोड़ते हुए चिपका देंगे और इसके दोनों किनारों से हम क्रॉस बना लेंगे अब हम पिंक कलर का इतना आटा लेंगे और इसको बेलन की सहायता से थोड़ा सा बेल लेंगे फिर हम फ्लावर शेप के कुकी कटर की सहायता से एक फ्लावर कट कर लेंगे अगर आपको भी ये कुकी कटर चाहिए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है अब हम यहाँ पर मैदे का घोल लगा लेंगे और इस फूल को इस पर चिपका देंगे इसको हमें अच्छे से चिपका लेना है नहीं तो ये फ्राई करते हुए निकल जाएगा अब हम पिंक कलर का थोड़ा सा आटा लेंगे और उसको इस तरीके से चिपका देंगे इसको भी हम मैदे का घोल लगाकर अच्छे से चिपका लेंगे अब हम सरसों के दो दाने लेंगे और उनको इस तरीके से इस पर चिपका देंगे इनको भी हम मैदे का घोल लगाकर थोड़ा सा प्रेस करते हुए अच्छे से चिपका लेंगे अब हम चाकू की सहायता से फूल के बीच में थोड़ा सा छेद कर देंगे ये लीजिए हमारी डिजाइनर खुचिया बनकर तैयार है तो इसके लिए हम इतनी बड़ी एक लोई लेंगे और इसको बेलन की सहायता से बेल लेंगे इसको हम चारों तरफ से बराबर बेलेंगे हमें इसको थोड़ा सा बड़ा ही बेल लेना है अब हम गोल शेप की एक कटोरी लेंगे और कटोरी की सहायता से हम इसकी दो पूड़ियाँ कट कर लेंगे और इसके एक्स्ट्रा पार्ट को हम हटा देंगे अब हम चाकू की सहायता से इसकी एक पूड़ी को पतली पतली स्ट्रिप्स में इस तरीके से डिवाइड करेंगे बस हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि इसके ऊपर और नीचे वाले भाग को कट नहीं करना है और स्ट्रिप्स को हमें एक समान ही कट करना है तो ये देखिए मैंने पूरी पूरी पर स्ट्रिप्स को अच्छे से कट कर लिया है अब हम ब्रश की सहायता से इस पर मैदे का घोल लगा लेंगे और दूसरी वाली पूरी को उठाकर इस पर अच्छे से चिपका लेंगे हमें इनको हल्के हाथों से प्रेस करते हुए अच्छे से चिपका लेना है आप चाहे तो बेलन को हल्के हाथों से एक से दो बार इस पर रोल भी कर सकते हैं और 10 सेकंड का होल्ड करते हुए हम इसको इस तरीके से उठा लेंगे ये देखिए स्टेप्स इसमें कितने अच्छे से चिपक गई हैं। अब हम इसको पलट लेंगे और इसके बीच में हम स्टफिंग को रख लेंगे स्टफिंग आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा रख सकते हैं बस स्टफिंग को रखते हुए एक बात का ध्यान रखें कि स्टफिंग हमारे किनारों पर ना आए हम इसके इस किनारे पर मैदे का घोल लगा लेंगे और इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे तो हम इनके किनारों को अच्छे से चिपका लेंगे अब हम इनके किनारों को उंगलियों की सहायता से थोड़ा सा प्रेस करते हुए पतला कर लेंगे अब हम दो उंगलियों की सहायता से इनको इस तरीके से प्रेस करेंगे फिर हम इसको फोल्ड कर लेंगे फिर हम इसके इस हिस्से को प्रेस करेंगे फिर हम फोल्ड कर लेंगे सेम प्रोसेस से हम गुजिया पर पूरी डिजाइन इसी तरीके से बनाते चले जाएंगे तो ये देखिए मैंने किनारों पर पूरी डिजाइन बनाकर तैयार कर ली है अब हम फिर से थोड़ा सा आटा लेंगे और इसको बेलन की सहायता से बेल लेंगे अब हम छोटा सा फ्लावर शेप में कुकी कटर लेंगे और इसकी सहायता से हम छोटे छोटे फ्लावर कट कर लेंगे अगर आपको भी ये कुकी कटर चाहिए तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है अब हम इन फूल के बीच में मैदे का घोल लगा लेंगे अब हम थोड़ा सा ग्रीन कलर का आटा लेंगे और इसको गोल करते हुए इन फ्लावर के बीच में इस तरीके से चिपकाते जाएंगे अब हमने जो गुजिया बनाकर तैयार की है उसके ऊपर हम यहाँ पर मैदे का घोल लगा लेंगे और एक फ्लावर उठाकर हम इस पर इस तरीके से चिपका देंगे इनको हम अच्छे से चिपकाएंगे ताकि ये फ्राई करते हुए निकले ना सेम प्रोसेस से हम दूसरा और तीसरा फूल भी मैदे का घोल लगाकर अच्छे से चिपका लेंगे तो ये लीजिए हमारी पहली डिजाइन भी बनकर तैयार है अब हम बनाएंगे इसके लिए आप गोल शेप की दो पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लें बस ये दोनों पूड़िया बराबर होनी चाहिए और ये थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए एक पूड़ी को चाकू की सहायता से पतली पतली स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेंगे और इसके भी हम ऊपर और नीचे के हिस्से को कट नहीं करेंगे अब हम इस पूड़ी पर मैदे का घोल लगा लेंगे और दूसरी पूड़ी को इस पर इस तरीके से चिपका लेंगे हम इसके ऊपर वाले दोनों किनारों को इस तरीके से मोड़ लेंगे दोनों किनारों को हमें बराबर ही मोड़ना है सेम प्रोसेस से हम नीचे वाले किनारों को भी इसी तरीके से फोल्ड करेंगे वह चारों किनारों को हमें बराबर ही मोड़ना है अब हम इसको पलट लेंगे और इसके बीच में हम स्टफिंग को रख लेंगे स्टफिंग आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं अब हम इसके चारों किनारों पर मैदे का घोल लगा लेंगे मैदे का घोल हमें अच्छे से लगाना है फिर हम इसके दोनों किनारों को इस तरीके से उठाते हुए अच्छे से चिपका लेंगे सेम प्रोसेस से हम तीसरे किनारे को उठाकर इस तरीके से चिपका लेंगे और लास्ट किनारे को भी हम इस तरीके से चिपका लेंगे तो चारों किनारों को हमें अच्छे से चिपका लेना है तो अब हम इसको पलट देंगे तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके की डिजाइन बनकर आई है फिर से हम एक फ्लावर कट कर लेंगे और यहाँ पर हम मैदे का घोल लगाकर इस फ्लावर को इस पर चिपका देंगे फ्लावर के बीच में मैदे का घोल लगा लेंगे और थोड़ा सा ग्रीन कलर का आटा इस पर इस तरीके से चिपका देंगे तो ग्रीन कलर के आटे को हमें गोल करते हुए अच्छे से चिपका देना है आप चाहें तो इस गुजिया को इस तरीके से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं इसके लिए आप दो बड़ी साइज की पूड़ी कट कर लें और एक पूड़ी पर पतली पतली स्ट्रिप्स कट कर लें और दूसरी पूड़ी को इस पर चिपका लें तो अब हम इसको उस साइड से ना करके अब हम इसको इस साइड से फोल्ड करेंगे तो सेम प्रोसेस से इसके चारों किनारों को इतना इतना फोल्ड कर लें फिर हम इसको पलट लेंगे और इसके बीच में हम स्टफिंग को रख लेंगे ध्यान रखिएगा स्टफिंग हमारी किनारों पर नहीं आनी चाहिए चारों किनारों पर मैदे का घोल लगा लें प्रोसेस से चारों किनारों को उसी तरीके से जोड़ लें किनारों को हमें अच्छे से जोड़ लेना है ताकि ये फ्राई करते हुए खुले ना और इसके बीच में भी हम मैदे का घोल लगा एक फ्लावर लगा देंगे और इसमें भी हम थोड़ा सा ग्रीन कलर का आटा लगा देंगे इस डिजाइन में जो हमने स्ट्रिप्स कट की थी वो बीच में दिखेंगी आपको इन दोनों में से जो भी पसंद आए आप उस डिजाइन की गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं तो अब हम इतना आटा लेंगे और इसको भी हम बेलन की सहायता से बेल लेंगे और इसको भी हम गोल शेप में बेलेंगे तो मैंने इसको इतना बड़ा बेल लिया है हम चाकू की सहायता से इसको इस तरीके से पतली पतली स्ट्रिप्स में कट करेंगे हमें इसके बीच वाले पोर्शन को कट नहीं करना है स्ट्रिप्स हमें ज़्यादा पतली भी कट नहीं करनी है तो इनको तो हमें थोड़ा सा चौड़ा ही रखना है तो इस तरीके से हमने स्ट्रिप्स को कट कर लिया है तो बीच में हम इसके मैदे का घोल लगा लेंगे अब हम स्टफिंग लेंगे स्टफिंग को हमें थोड़ा सा दबाते हुए इसको लड्डू के आकार में बना लेना है स्टफिंग को हम बीच में इस तरीके से रख देंगे हम एक स्ट्रिप्स को स्टफिंग के ऊपर इस तरीके से रख लेंगे अब तो हम इसके आधे भाग पर मैदे का घोल लगा लेंगे और दूसरी स्ट्रिप को उठाकर हम इस पर इस तरीके से चिपका लेंगे दूसरी वाले स्ट्रिप्स का आधा भाग हमें पहली वाले स्ट्रिप के आधे भाग पर रखना है और आधा भाग हम स्टफिंग पर रखेंगे इसी तरीके से हम तीसरी स्ट्रिप को भी चिपका लेंगे सेम प्रोसेस से हम सारे स्ट्रिप्स को चिपकाते जाएंगे और ये भी डिजाइन बनाने में बहुत आसान है और ये देखने में भी काफी सुंदर लगती है बस इस डिजाइन को बनाते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि मैदे का घोल लगाकर स्ट्रिप्स को अच्छे से चिपका लेना है ताकि फ्राई करते हुए स्टफिंग हमारी बाहर ना निकले तो सारे स्ट्रिप्स को हमने अच्छे से चिपका लिया है हम थोड़ा सा ग्रीन कलर का आटा लेंगे और उसको बेलन की सहायता से बेल लेंगे फिर हम फ्लावर से कुकी कटर की सहायता से एक फ्लावर कट कर लेंगे और फिर हम यहाँ पर मैं का घोल लगाकर इस फ्लावर को उस पर अच्छे से चिपका देंगे अब हम फ्लावर पर मैं का घोल लगाकर थोड़ा सा सफेद कलर का आटा गोल करते हुए इस पर अच्छे से चिपका देंगे हम गुजिया को फ्राई करेंगे इसके लिए कढ़ाई में ऑयल लेंगे और ऑयल को गर्म कर लेंगे तो जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तब हम गुजिया को इसमें एक एक करके डालेंगे और इनको पलटते हुए अच्छे से सेक लेंगे इन सारी डिजाइन में हमने स्टफिंग भी खूब अच्छे से भरी है तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ बाय